नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की हर्ब सीरीज की एक और वीडियो में। और आज जो जड़ी बूटी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका आयुर्वेद में तो महत्व है ही है, साथ ही साथ आप सारे लोग इसका प्रयोग जरूर करते होंगे क्योंकि इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। आज बात करेंगे बेल के वृक्ष की। इसके पत्तों का प्रयोग आपने सावन में बहुत किया होगा, भगवान शंकर को ये इसके पत्ते बहुत पसंद हैं और शिव पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। अब आयुर्वेद में इसका कितना महत्व है इस बात का आप अंदाजा इससे लगाइए कि जो दशमूला रिष्ट है उसमें बेलपत्र की जड़ का प्रयोग होता है, और ये जो बिलवादी चूर्ण हुआ या फिर बेल के पेड़ से निकलने वाला तेल, इन सबका प्रयोग आयुर्वेद में बहुत किया जाता है। आप इसके अलग अलग भागों का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं, आप इसके पत्तों का प्रयोग कीजिए, इसके कच्चे फल का प्रयोग कीजिए, इसके पके फल का प्रयोग कीजिए, इसकी जड़ का प्रयोग कीजिए, और 12 महीने आपको किसी भी पंसारी की दुकान से बेलगिरी के चूर्ण को लेकर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बेलगिरी का चूर्ण है ये आपको किन किन बीमारियों में और किस तरीके से प्रयोग करने में लाभ प्रदान कर सकता है। सबसे पहले वो लोग जिनको किसी भी तरीके से शारीरिक कमजोरी लगती है, थकान लगती है या फिर कोई काम करने का मन नहीं करता, वो लोग क्या करें, बेलगिरी लें, अश्वगंधा लें और मिश्री लें। ये तीनों चीज़ें समान मात्रा में लें, इन्हें अलग अलग पीस के इनका चूर्ण बनाएं, उन तीनों चूर्णों को बाद में मिला दें और प्रतिदिन एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें। आपके शरीर में आपको कितनी भी कमजोरी क्यों नहीं लगती हो, आप देखेंगे कि बेलगिरी का ये चूर्ण अश्वगंधा के साथ मिलकर आपको शारीरिक ताकत प्रदान करने का काम करता है। और इसका प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जो किसी भी तरीके से मूत्र संबंधित विकारों से जूझ रहे हैं, जिनको पेशाब में जलन होती है, पेशाब बार बार आता है या रुक रुक कर आता है। अब वो क्या करें, बेलगिरी का चूर्ण लें, 10 ग्राम बेलगिरी का चूर्ण, 5 ग्राम सौंठ, इन दोनों चीज़ों को 400 ml पानी में उबाल लें, और जब ये पानी एक चौथाई रह जाए, मतलब 100 ml रह जाए, तब आप उस पानी को गैस से उतारिए और थोड़ा ठंडा होने के बाद घूंट घूंट करके पीजिए। यदि आप सुबह शाम इस तरीके से इसका सेवन करते हैं तो देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर ही आपके मूत्र संबंधित सारे विकार दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, वो लोग जिनके घर के आसपास बेलगिरी का वृक्ष है और जो इसे अच्छे से पहचानते हैं, वो इसके 2 खास फायदे तो बड़े आराम से उठा सकते हैं। यदि उनके कहीं फोड़े फुंसी हो गए तो इसकी जड़ ले लें और जड़ को पानी में घिसके एक लेप बना लें और अपने फोड़े फुंसी पे अप्लाई करें, तब वो देखेंगे कि उनके फोड़े जो हैं, एक तो वो जल्दी सूखने लगे हैं और अगर बार बार फुंसियाँ या फोड़े हो रहे हैं तो वो भी अब रुक जाते हैं। इसके साथ साथ यदि ऐसे लोग जिनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तमाम गोली खाने के बाद भी सर 2-3 दिन बार बार आने लगता है, वो भी उस लेप का प्रयोग यदि अपने ललाट पे, अपने माथे पे लगाते हैं तो बार बार सर में उठने वाला दर्द फिर दोबारा नहीं उठता। दोस्तों, इसका फल एक ऐसी चीज़ है जिसका आप कच्चा और पका दोनों तरीके से सेवन कर सकते हैं। यदि आपको दस्त हुए हैं तब आप इसका कच्चा फल खाइए, और यदि आप कब्ज से ग्रसित हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तब आपको इसके पके फल का सेवन करना चाहिए। इसका पका हुआ फल आपकी पाचन को बढ़ाता है, तो जिससे आपका खाया पिया आपको लगने लगता है, और दूसरी बात, जब आपकी पाचन की क्रिया सुचारू हो जाती है तो जो कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है, जो कब्ज वाली प्रॉब्लम है, वो फिर दोबारा नहीं होती। दोस्तों, बेलगिरी का चूर्ण हुआ, इसकी जड़ हुई या फल हुआ, इनके तो आप फायदे उठा ही सकते हैं, लेकिन इस वृक्ष पे लगभग 12 महीने आने वाले पत्तों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अब इसका प्रयोग आप किस किस बीमारी में किस तरीके से करेंगे, तो यदि ऐसे लोग जिनके शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तरह तरह के पाउडर डालते हैं लेकिन तब भी वो बदबू जाने का नाम नहीं लेती, वो क्या करें, इसके पत्ते ले लें, थोड़ा निचोड़ के उनका रस जैसा निकाल लें और नहाने से पहले अपने बदन पे मल लिया करें। इससे वो देखेंगे उनके शरीर से जो अजीब सी दुर्गंध आती है वो दुर्गंध आना बंद हो जाती है। साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जिनको लुकोरिया या श्वेत प्रदर है, वो भी इसके पत्तों का रस निकाल लें तकरीबन 10 ml की मात्रा में और 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। 10 से 15 दिन ही यदि बेल पत्र के पत्तों का रस और शहद, ये 2 चीज़ें वो सेवन में लाएंगी तो देखेंगी लुकोरिया की शिकायत धीरे धीरे कम होने लगी है। और पत्तों के इसी रस का सेवन यदि वो काली मिर्च के साथ करते हैं तो या तो आपको पीलिया हो या फिर आपके शरीर में खून की कमी हो, इन दोनों ही दशाओं में पत्तों का रस आपको लाभ प्रदान करेगा। और कहीं जल जाए तब भी आप इसके पत्तों का रस लगा के, जो जलने के बाद बहुत तेज दर्द होता है, जो जलन होती है, उसमें आपको आराम मिलता है।
दोस्तों ये कुछ वो प्रमुख फायदे थे जो बेलपत्र से आप उठा सकते हैं। इसके अलावा भी बेलपत्र से अन्य किस्म के रोगों का उपचार किया जाता है, जिसका जिक्र हम अपने आने वाली किसी वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर बताए गए किसी भी उपचार को आपने भी इस्तेमाल किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, और जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।